देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मोलर स्पेसिफिक ऑफ डाई एटॉमिक गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर डाई एटॉमिक गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी की वैल्यू देखोगे तो आपको याद होगा एफ आर बाई टू होता है, इसकी ही वैल्यू पूछ रहा है। बट यहाँ पर एफ आर बाई टू अगर देखोगे डाई एटॉमिक गैस के लिए, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर देखोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है भाई, 5 होती है। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होती है, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन का होता है प्लस 2 रोटेशन का होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। डाई एटॉमिक मतलब ऐसे सिंगल लाइनर लीनियर मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक तो लीनियर ही होगा ना भाई। तो ये जो ये है आप पढ़े होगे बेसिक, आपको आता होगा। तो 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन का, और यहाँ 0 वाइब्रेशन का है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यार जब टेम्परेचर कम है तो वाइब्रेशन काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वेन टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई हो, ठीक है, और वाइब्रेशन इज काउंट, वाइब्रेशन इज काउंटेड। तो अगर मैं वाइब्रेशन को काउंट करके चलूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशनल मोशन का, प्लस अगर तुम ये देखोगे तो 2 पर वाइब्रेशन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 इसका वाइब्रेशन का ऐड हुआ, तो कुल मिला के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। कब? जब मैं अपना काउंट करता हूँ वाइब्रेशन। तो ये बस यही है, तो ये आ जाएगा 7। सी भी इतनी होती है, तो सी पी कितनी होती है, तो सी पी होती है एफ आर प्लस 2, दैट इज आर। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 7/2 आर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, तो 7/2 आर ये वाला सी भी इतनी होगी। अगर तुम देखोगे सी पी की वैल्यू तो 7R/2 और प्लस आर, मतलब ये आ जाएगा 9R/2 सी पी की वैल्यू होगी, और सी बी की वैल्यू इतनी होगी। तो आई होप कि एक आसान सवाल था, बट इसमें एडिशनल नॉलेज था ये वाली थिंग। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।